पर ये इतनी वीआईपी दिख रही है कि शायद हम लोग नहीं खरीद पाए, इसे बहुत महंगी होगी। सर चॉकलेट खाते हैं आप? चॉकलेट वगैरह कहाँ, बच्चे चलो खाते हैं, पर कि कोई ऐसा महत्वपूर्ण वाली बात नहीं है। कभी किसी बच्चे ने दे दी, किसी ने तो खा लेते हैं कभी कभार, नाक वाक नहीं लगाते हैं वो खा लेते हैं कभी कभार। हमें चॉकलेट तो बचपन में खाई होंगी, अभी तो इतना नहीं याद है, 1 रुपए या 2 रुपए की हमारे को दिलाया करते थे तो, या ऑरेंज गोली खाया करते थे, और तो ऐसा कुछ नहीं, हमारे में इतना चलन नहीं है चॉकलेट वगैरह का, इसे ज़्यादा खाई नहीं है। सर चॉकलेट तो भूले भटके में अपन कभी कभार खा लेते हैं, वो चॉकलेट आती है 5-10 रुपए की, इतने में तो अपना आलू बढ़ा जाता है, उसमें पेट भरा जाता है अपना। तो सर आपकी पसंदीदा चॉकलेट कौन सी? सर जी ने बताया ना आपको, कुछ अपने को शौक नहीं है, पसंद की बात ही नहीं होती, जो वक्त पे मौके मिल जा खा लेते हो। सर चॉकलेट तो कोई से भी खा लेते हैं, दुकानदार से बोलते चॉकलेट देना वो दे देता है, खाई और चलती है अपन तो। मैडम आपने कभी फरेरो रोशक का नाम सुना? फरेरो रोशक नहीं, रोशक नहीं सर, नहीं सुना। फरेरो रोशन, रोशन रोशर नहीं सुना। फरेरो रोशन, रोशन नहीं सुना सर। ठीक है सर, आज हम आपको फरेरो रोशर चॉकलेट खिलाने वाले हैं, जो बहुत ज़्यादा मशहूर चॉकलेट है, और ये इटालियन चॉकलेट है। ओ इटालियन, हाँ नाम सुना इटालियन का मैंने। इससे पहले आपने पास्ता भी कुछ खिलाया था, पास्ता था? यस सर। हाँ बहुत अच्छी चीज़ बनाता है इटली वाले भी है। अरे वाह 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 यार, नाम से लग रहा है रोशन कर दिया इसने, तो आसपास सुनहरे सुनहरा यार क्या खूबसूरत पैकिंग है यार, प्लास्टिक के डब्बे में ये तो बहुत अच्छी लग रही है, ऐसा लग रहा है जैसे मिठाई के पैकेट में ये गुलाब जामुन रखे हों, बहुत अच्छी लग रही है सब। इसको तो देख के सर ऐसा लग रहा है जैसे हमारा तो गुट्ठे का आते हैं मीठे के डब्बे, तो नए जमाने का डब्बा लग रही है ये। पैकिंग बड़ी जोरदार है, बहुत ही हल्की फुल्की चीज लग रही है यार, ये खुशबू तो इतनी खास आ नहीं रही इसमें, पर बहुत जबरदस्त लग रही है। हमारे वहां जो है कि अक्सर मिठाइयों पे चांदी का वरक सोने का वरक चढ़ता है, अभी बंगाली बड़ी महंगी महंगी मिठाइयों पे चढ़ता है, तो ये मुझे लग रहा है महंगी होगी, क्योंकि ये बड़ा खूबसूरत से सजाया इसको यार। सर जी देखो ना यार, इसके नीचे कटोरी भी दे दी केक जैसी, ये वरक क्या डायरेक्ट खाने का है क्या? नहीं सर ये निकालना है अंदर इसके चॉकलेट। ये तो बंगाली मिठाई लग रही है, बहुत बढ़िया दिखने में तो। वाह यार, बहुत ही जबरदस्त लग रही है, मुंह में रखते आराम हो गया, बहुत शानदार पैकिंग, बड़ी जोरदार है यार, पैकिंग पे दिल आ गया मेरा तो, वाला खोत है मोटा वाला लगाया, वाह 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 वाह। वही सर जी जो कि मैंने सोचा था, वही वो जो कलर होता है चॉकलेट का वही कलर है इसका भी, और उसको दूर से देख के अच्छा, इसका जो आकार है वो थोड़ा थोड़ा मिठे जैसी लग रही है मुझे, थोड़ी सी चिपचिपाहट भी है इसमें, मतलब ताजी दिख रही है मुझे, इसको देख के बता सकता हूं मैं, प्योर माल डाला है इसमें,
थोड़े थोड़े ऐसा लग रहा है ऊपर के काजू बादाम का टुकड़ा तो नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है मुझे। मतलब यार उसको पहले इसको लेने से पहले अंदर लगा सकता हूँ, बहुत बेहतरीन चीज़ होगी। इसके शीशे के खा के देखता हूँ। अरे वाह यार, जैसा मैं बताया वाकई यार कोई दो राय नहीं इसमें, बहुत बेहतरीन चीज बनी है इन्होंने, लाजवाब। ओहो, एक तो गेंद ऊपर से अंदर से भी गेंद निकल रही है और अंदर सफेद सफेद तो और कुछ और निकल रहा। प्योर मक्खन माल है, प्योर मक्खन। वाह, तारीफ के शब्द ही नहीं निकल रहे हैं मुझसे, क्या स्वाद है। ऐसा लग रहा है ऊपर से जैसे कि अखरोट और अंदर से खा रहे हैं तो इतनी मुलायम कि मुंह में घुल रही है, बहुत ही स्वाददार, मजा आ गया खा के। अरे ऊपर के बादाम के काजू के दाने लगे महंगे, ऊपर परत भी कड़क कड़क, वो अंदर भी एक और गेंद है, वो काफी नरम है। जैसे मैं बताया सर वही निकला, ऊपर से कड़क कड़क कुरकुरापन है। स्वाद देने के लिए उन्होंने काजू बादाम किशमिश चारोली दूध इन सब चीजों को मिला के बनाया। ऐसा इसमें लग रहा है जैसे अखरोट हो, बीच में बादाम निकली है इसके, और खाने में कुरकुरी है ऐसे, और इसको खाने से संतुष्टि बहुत मिल रही है। जैसे जैसे अंदर जा रही है ना तो एकदम ऐसा लग रहा है जैसे कि पूरी बॉडी में एनर्जी आ रही हो, बहुत ही बढ़िया। बहुत जबरदस्त है, जो मैं चॉकलेट खाता हूँ या तो वो नकली है या तो ये नकली है। जो मैं चॉकलेट खाता हूँ वो तो बहुत मीठी रहती है, वो ये सामान्य मात्रा में मीठी। हमारे घबराने के बच्चे लोग तो बहुत शौक से खाए यार अगर मिल जाए तो। पर सर जी पैकिंग से मैं लगा सकता हूँ इसका अंदाज बहुत महंगी होगी। औरतों को तो वैसे भी मीठा बहुत पसंद होता है, ज्यादातर मैं टीवी में देखा करती थी चॉकलेट के एडवर्टाइज, तो मैं सोचती थी कि किस तरह की होंगी, दिखने में तो बड़ी सुंदर लगती थी, लेकिन ये आज खाया तो इसका मुझे एहसास हुआ कि वाकई ये चॉकलेट बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट और अच्छी होती है, और बाहर के देशों में ऐसा लगता है इसका चलन ज़्यादा है, इसलिए इतनी महंगी और इतनी बढ़िया चॉकलेटें बनाते हैं और हमारे यहाँ पहुँचाई और हमने भी खाई, बड़ा स्वाद आया इसे। वंदा के जो चॉकलेट है बहुत ही मुलायम, बहुत जबरदस्त लग रही है, वो है ऊपर की कड़क कड़क कर कर आवाज आ रही खा रहा है। तो सर ये आजकल बहुत सुन रहे हो बाजारों में, टीवी पे भी देख रहा हूँ मैं कि आजकल लड़कियाँ लड़कों को तोहफे में चॉकलेट दे रही हैं, लड़के लड़कियों को दे रहा है, पहले चलन नहीं हुआ करता था ऐसा, कभी बाप जमा उन्हें दे दिया तो कभी गुलाब जामुन दे दिया करता था लड़का लड़की को, बाकी लड़के तो देते ही नहीं थे पहले, पर अभी आजकल तो बहुत ज़्यादा चलन हो गया इसका। इसका आकार तो बिल्कुल गोल है, हमारे वहाँ ज़्यादातर ऐसी मिठाइयाँ आती हैं, रसगुल्ले हुए, गुलाब जामुन हुए, पेड़ा हुआ, हमारे वहाँ ज़्यादातर मिठाइयाँ इसी आकार की होती हैं, गोल गोल, शायद इसीलिए इसे भी गोल आकार का बनाया गया है। जब इसकी मैंने पैकिंग खोली तो जब तो ये कड़क कड़क हो रही थी, वो ज़्यादातर हो गए खोले को इसको तो पिघलने ही ज़्यादा ही याद रहता कि इसको खुल नहीं छोड़ सकते ही। अब सर जी हमारे पास में एक रहती है बंगालन भाभी, कभी बंगाल मंगल जाती तो वहाँ से बंगाली मिठाई लेके आती है, तो थोड़ी थोड़ी उस जैसे लग रहा है इसका आकार, जैसे कि जो नीचे जो कप ये दिया इसमें रखा के आती है वो रहती प्योर दूध की एकदम मुलायम, ये भी उस जैसी लग रही है, वो सफ़ेद सफ़ेद रहती है उसमें थोड़ा रस रहता है, रसीला रहता है, ये थोड़ी सी ये चॉकलेट है, ये फ़र्क है दोनों में बस, और ये है कि हाँ ये ताज़ी है, थोड़ी
हल्की सी चॉकलेट हाथ पे भी लग रही है मेरे। हे यार चीज है, बहुत बेहतरीन चीज है यार। दिखने में तो बहुत ज्यादा भारी लग रही है, पर है ना हाथ जब हाथ में लिया तो हल्की है और खाने में बहुत स्वादिष्ट है, कुरकुरी है, और जब अंदर का जो आता है इसका निकल के तो बहुत ही मुलायम, मुंह में जाके घुल जाता है एकदम से शहद की तरह बिल्कुल से, और बड़ा सुकून मिलता है उससे। सर इतना बड़ा डब्बा तो हम खरीद नहीं पाएंगे, अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, पर ये इसका एक एक पीस खुल के बिके 5-10 रुपये में तो हम अभी खरीद पाएंगे। ऊपर जो इन्होंने जो दाने टपका दिए चिपका दिए उसने 4 चांद लगा दिए, क्योंकि शुरू में खाओगे तो कड़ा, अंदर दबाओगे तो नरम, और फिर और अंदर घुसोगे तो बादाम निकल रही है कड़क। मेरी बड़ी दीदी है उन्हें शक्कर की बीमारी है, और है ना वो ये तो नहीं खा पाएंगे। मैं ये चाहती हूँ कि है ना इस तरह की कोई ऐसी चॉकलेट भी बने कि वो शुगर में खा सके और वो भी आनंद उठाए इसका। सर जहाँ तक के सवाल है इसको घर में बनाने का, पर ये घर में तो बन सकती नहीं है, इसमें ऊपर से बादाम काजू का मिश्रण भी है, चॉकलेट है, अंदर दूध भी भरा हुआ है, ये सारी चीज़ें तो घर में शायद ही बने, फैक्ट्री में बन सकती है ऐसी चीज़ें तो। सर जी पैकिंग से अंदाज लगा लिया मैंने, बहुत महंगी चीज़ होगी, बाकी यार अगर ये इसकी जो खूबसूरती सजावट देख, अगर तोहफे में शादी ब्याह में जाओ तो दूल्हे को दुल्हन को ये दे दो, 10 बार याद रखेगा क्या बंदे ने दी चीज़ यार, कोई याद रखेगा शादी बाद भी यार चीज़। ये कवर में हटा दूँ तो हमारे बचपन में तो ऐसे सोने के सिक्के जैसे आते थे और हम उसे खोलते थे तो उसमें से चॉकलेट जैसी निकलती थी, लेकिन इसका स्वाद उससे बहुत ज़्यादा अच्छा है, उसमें इतना स्वाद नहीं हुआ करता था। सर आप बताना कि ये इटली की है और इससे पहले भी आप बहुत सारी चीज़ें खिला चुके हैं इटली की, इटली तो काफ़ी शानदार है खाने पीने के मामले में। सर जी इसके पैकेट से और इसके सजावट तक के अंदर लगा सकता हूँ कि मैं ये तोहफे की ही चीज़ है ख़ास, ये आम आदमी के खाने की चीज़ नहीं, बस ये तोहफे में दे सकते हो आप सजावट के लिए, खूबसूरती के लिए, सामने खुश हो जाएगा कि हाँ चीज़ लाया कुछ यार। तो हमारे वहाँ जो 2-5 रुपये वाली चॉकलेटें आती हैं तो वो तो बहुत मीठी मठ होती है, और लेकिन ये खा रहे हैं तो इसमें बहुत ही संतुलित मात्रा में शक्कर मिलाई गई है, और उससे नुकसान भी नहीं हो, स्वाद भी बहुत है, तो मैं तो चाहूंगी कि उसकी जगह हमेशा खाऊं तो यही खाऊं वरना नहीं खाऊं। सर आजकल क्या लड़का लड़की का दोस्त यारी बहुत चल रही है, तो अगर कोई लड़की नहीं पट रही है तो ये दे दे 10 बार पटेगी, चीज इतनी प्यारी है यार, दिल आ जाओ उसका, क्या चीज दी तूने। पर ये इतनी VIP दिख रही है कि शायद हम लोग नहीं खरीद पाए इसे, बहुत महंगी होगी। मैं तो क्यों जरूर तेरी माशुकों को दे दे, पड़ी आएगी वासरी से, इतनी मेहनत कर, ये दे दे तू पैकेट। मत ले, ज्यादा मत बोल, चल चल तू जल्दी से।